अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाते ही काम करेगी और उनका स्लोगन है हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। इसलिए मेरे प्रेस के अंत में मैंने कहा कि समृद्धि की ओर आगे बढ़े और समृद्ध हिंदू के मेरे 6 कदम है। हर हिंदू को खाना मेरी योजना है 1 मुठिया अनाज। परसों भी मैंने अहमदाबाद में 25,000 घरों में थैली बांटकर 1 मुठिया अनाज की योजना बनाई। हर परिवार को डॉक्टर, हम फ्री प्राइवेट के डॉक्टर गरीबों को देंगे। हर युवाओं को रोजगार, हर बच्चों को शिक्षा, कर्ज मुक्त किसान और बढ़ता हुआ व्यापार। इसलिए हम हिंदू सुरक्षा, हिंदू समृद्धि, सम्मान के लिए काम करेंगे। ये देश में हिंदू महासभा और आर्य समाज था, अभी आरएसएस शुरू हुआ या नहीं, इसलिए इतना बड़ा हिंदू समाज है उसमें सभी संस्थाएं काम करें, एक दूसरे से स्नेह रखकर काम करें, एक दूसरे से स्पर्धा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब एक ही काम में लगे हैं। तोगड़िया जी, पहले जो मांग थी वो ये थी कि पहले के समय की जो सरकारें हैं वो अध्यादेश या कानून नहीं ला रही है संसद में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया है। आपने इससे पहले भी कहा कि इसके ऊपर राजनीति हुई, तो अब आप संतुष्ट हैं या और मतलब दिल में आपके कुछ है कि सरकार ने ये करना चाहिए था नहीं किया? मैंने अभी जो कहना है इतना ही कहा, कल मुझे कुछ कहना है तो अभी एचपी कोई बगला लेवा जरूर नहीं। सवा सवा रुपया एकत्रित करीने आपी दीदा छे, ईटो एकत्रित करीने आपी दीदी छे, पत्थरो घड़वानो काम आपी करी छे, मॉडल बनावानो काम पण डॉक्टर प्रवीण तोगड़ियाए करी दीधुं छे। हवे सरकार ने जमीन छतां मंदिर बनावी दे, एमणे तो आर्किटेक्ट और एंजीनियरिंग नी व्यवस्था ज करवानी छे, बाकी बधुं छे। સૌજન્ય ના આધાર ઉપર નિર્ણય કરે સન્માન કરવું કે નહીં કરવું એમણે નક્કી કરવાનું છે। नहीं, तब बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। 89 मानी आंदोलन का प्रारंभ, 84 में उसके 5 साल के बाद, तब इतना माहौल अभी बना नहीं था। मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसका कोई अंदाज नहीं था, कैसे बनेगा वह भी नहीं था। मॉडल पहली बार अहमदाबाद में मैंने बैठकर बनवाया, वो मॉडल फिर मॉडल मैं धर्म संसद कुंभ में ले गया, वहाँ सभी संतों ने अप्रूव किया। देवराहा बाबा उस धर्म संसद में आए थे और तब सवा सवा रुपया भी 8 करोड़ हिंदुओं से नहीं लिया था, इतना कितना जन समर्थन मिलेगा, धर्म के प्रति श्रद्धा है वो पता था कितना हम तो भाई एक संकल्प के नाते 84 में निकल चुके थे, कितना समर्थन मिले इसके आधार पर नहीं निकले थे, सफलता विफलता के आधार पर हम अपने संकल्प पर निकले थे। भगवान ने आज संकल्प पूरा करवा, कर्नाटक का है, देश का हर कोने का कंट्रीब्यूशन है। एक बहुत बड़ा बलिदान गुजरात का है, 59 राम भक्तों को एक साथ जिंदा जलाया, इतना बड़ा बलिदान एक अयोध्या में हुआ, दूसरा गोधरा में हुआ, दूसरा बड़ा बलिदान राम मंदिर आंदोलन में, दो स्थान को छोड़कर कहीं नहीं।